हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये व्लॉग अभी मेरे पास ट्राईपॉड है नहीं, मेरा ट्राईपॉड मेरी फ्रेंड के पास है, तो ये ऐसे ही शूट करना पड़ रहा है व्लॉग। बहुत फॉर्मल तरीके से व्लॉग शूट नहीं है, जो है व्लॉग की बिगनिंग पहले शूट करते हैं, उसके बाद मतलब ऐसे ही उनका व्लॉग शूट होता है। लेकिन मेरा क्या है कि व्लॉग मैंने शूट कर लिया है और अब मैं बिगनिंग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी में थी। आज हमें जाना था कटरा में मंगल बाजार, तो बहुत सारे इसका बहुत लड़कों में ये है कि अच्छा लड़कियां जो कपड़े इतने चेंज कर करके पहनती हैं वो मंगल बाजार से ला के पहनती हैं। मंगल बाजार का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि दिल्ली में सरोजनी है जहाँ अंडर 100 अंडर 50 चीज़ें मिलती हैं, वैसे यहाँ पर हर जगह कहीं ना कहीं, जैसे लखनऊ में बुध मार्केट लगती है वेडनेसडे को, यहाँ पे लगती है ट्यूसडे को मार्केट, तो उसे ही हम बोलते हैं मंगल मार्केट, जो कि आप कह सकते हैं सरोजनी का भाई। वो ऐसे ही है यहाँ पर ये सीन। तो मैंने, मुझे लगा कि कपड़े तो क्वालिटी पता नहीं कैसे रहेगी कैसे नहीं, लेकिन हम वो ले सकते हैं, इयरिंग्स वगैरह या छोटी मोटी चीज़ें, डेकोरेशन का सामान, ये सारी चीज़ें तो ले ही सकते हैं, एटलीस्ट ट्राई तो कर ही सकते। वो ये बोल रही थी कि बहुत टाइम से ब्लॉग नहीं आ रहा है। आप लोग सोचते हो ना कि मैसेज मेरा ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं इसीलिए तुम्हारे फॉलोअर नहीं बढ़ रहे हैं। मुझे पता है इसलिए मेरे फॉलोअर नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पा रही हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी फील्ड में। मैं नहीं व्लॉग अपलोड कर पा रही हूँ इसलिए नहीं क्योंकि मैं प्रोकेस्टिनेट कर रही हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स हैं। सुनो, थोड़ा सा अभी बिना एंगल के मैं शूट कर रही हूँ, क्योंकि ट्राईपॉड मेरे पास है नहीं है, मेरी फ्रेंड ने लिया हुआ, तो आप लोग थोड़ा सा बेयर कर लो। अभी मैं अपनी फ्रेंड का वेट कर रही हूँ, वो आ जाती है फिर हम साथ में जाते हैं। काल आधुनिक काल चार काल आज मेरे ब्लॉग में तुम भी होगी। हाय कसम से डाल देंगे। हाँ तब भी यहाँ डॉल्ला है। बोलो क्या बताओ, वो बताओ, मध्य प्रदेश वाला बताओ, बताओ मध्य प्रदेश में क्या कर देंगे ना, साउंड ऑफ। हाँ बताओ मध्य प्रदेश में क्या होता है? नहीं कुछ नहीं होता है। सही नहीं। अच्छा ये यही लड़की है जो लड़कों का साइड लेती है हमेशा। दिखा दीजिए सरोजनी मार्केट, यहाँ इलाहाबाद की दुग्ध वाहन आ गया, उसको भी ले लीजिए। इधर उसके पास ढूंढ लो, तो 24 घंटे तुमको टाइम मिलेगा। क्या लगता है एक बेरोजगार सबसे ज्यादा बिजी होता है उसको? सही बात, सही नौकरी वाले बल्कि मूर्तियाँ ले ली, ले लो कौन सा लेना, उसका भी डाल दीजिए। कौन सा मारे हैं अगर मजाक उड़ाओ तो ले ले, क्या ले सकती हो? बताओ कितने का? बताओ क्यों कैसे दे रहे हैं भैया? भैया कह रहे हैं अब नहीं, भाई साहब कहे तो और दाम बढ़ लो। ब्लॉग में अपना डाल दीजिए। अच्छा कैसे दे रहे हैं? ये अगर ले कितने में लगाए हैं ये? 100 का 2 100 का 2 लेंगे तो 65-65 और एक लेंगे 70। 60 का लगा रहा था ये 100 का 2 100 का 2। कौन सा लोगे तुम? हम सोचे हैं डार्क कलर वाला ले लें। हम लोग यहाँ जैसे यहाँ से जो लेगा तो याद है Yeah.
मैं अभी अभी आई हूँ, गई थी कटरा के मंगल मार्केट और तुरंत मैं शूट करने बैठ गई हूँ क्योंकि ब्लॉग आज अपलोड करना है एट एनी कॉस्ट। मैं आजकल थोड़ा बिजी थी, एग्ज़ाम्स जो मेरे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं यही हार्डली एक वीक में, तो मैं ब्लॉग नहीं अपलोड कर पा रही थी ना ही शूट कर पा रही थी। तो फिर मैं ये सोची कि मेरे साथ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत अच्छी अच्छी जगह पे हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं, मिनसीज वगैरह में हैं, तो मैं आज तक ही प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो ये सोच कर बहुत सारे लोग डिप्रेस हो जाते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि अगर आप डिप्रेस हो जाओगे तो आप जो गोल आपने सोचा है वो चीज़ आप अचीव नहीं कर पाओगे ना, आप हमेशा वही सोचते रहोगे। सबसे पहली बात तो आपको खुद को खुद से कंपेयर करना है कि आप जो पहले थे आप उससे आपने कुछ प्रोग्रेस की है या नहीं की है। हमें अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना, सबकी जर्नी अलग है, सबकी लाइफ अलग है, सिचुएशंस अलग है, रिसोर्सेज अलग है, डेस्टिनेशन अलग है। किसी को यूट्यूबर बनना है, किसी को कुछ बनना है, किसी को कॉर्पोरेट में जाना है, कहीं जाना है, तो अपने आप को दूसरे से क्यों कंपेयर करें? अगर सबकी जर्नी अलग है, सब कुछ अलग है, तो फिर हम अपने आप को दूसरे से कंपेयर करने से सिर्फ आपके अंदर सिर्फ ये होगा कि हाँ यार हम पीछे रह गए। तो ये सॉरी मेरा थोड़ा सा मैसेज आ रहा है, मैं नोटिफिकेशन ऑफ करना भूल गई। आराम आता है दीदार से तेरे, जाते हैं सारे गम। कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग देखना, और प्लीज कमेंट बताना।